शुभकामनाएं। साथियों, हमने पालक मीटिंग में चर्चा हुआ है, साथियों में इस शिक्षा और बाल मेले आगे चलना हो सामने मेगा कि इसके पहले मैं आप लोगों को दो शब्द सुनाना चाहता हूँ। साथियों, पहले देश आजाद हुआ तब इस देश में 248 राज्य था और लॉर्ड माउंटबेटन जो है इस देश में पहली बार दिल्ली में मीटिंग हुआ और इस मीटिंग का प्रस्ताव किसने किया? जो लॉर्ड बघेल जो था वो, उसका इतना पावर था इस देश में कि किसी को भी फांसी में लटकवा देता था। उसके प्रस्ताव के अनुसार लॉर्ड माउंटबेटन ने सब राजाओं का बैठक दिल्ली में बुलवाया था और उस समय 258 राज्य था, उसके पहले 542 राज्य था। तब इस 258 राज्य को बांटने की बारी आई, तब पूछा गया पाकिस्तान वालों से 14 दिसंबर 1947 को दिल्ली में जब बैठक हुआ, पाकिस्तान वालों से पूछा गया कि आप इसी देश में रहना चाहते हो कि अलग राष्ट्र बनाना चाहते हो? तो सब राजा खड़े हो गए पाकिस्तान वाले और हम इस देश में नहीं रहना चाहते, हम अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस भारत देश में नहीं रहना चाहते, ऐसा कहा। और 14 जनवरी को पाकिस्तान अलग हो गया, अलग राष्ट्र बन गया, आजाद हो गया। उसके बाद 26 जनवरी को 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ एक दिन बाद। तब लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा, उस दिन प्रस्ताव लिया गया कि इस देश छीन के लेंगे अपना हक।